जिस व्यक्ति को आपने बड़े लाड और प्यार से पाला है जी, आज वो बिग बॉस के हाउस में आपसे दूर है, तो आप कितना मिस कर पा रहे हो अपने बेटी को? हम तो नहीं समझ रहे कि वो हमसे दूर है जी। 24 घंटा हम उसको देखते रहते हैं मोबाइल में, टेलीविजन पे, तो यह है कि हमें कुछ मिसिंग नज़र नहीं आ रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब वो घर में थी उसका काम इतना ज़्यादा है कि मिलना कम होता था। अब जो है 24 घंटे हम उसको देखते हैं, और उसके तमाम काम करने से हम हमारी पूरी फैमिली रिलेशंस और पब्लिक एट लार्ज जो है बहुत खुश हैं। जी, आप 24 घंटे अपने बेटी को देख पा रहे हो, तो कैसा गेम लग रहा है आपको? ये स्टेज पे मैं इतना ही कहूँगा कि अभी 4 एपिसोड हुए हैं, उसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और मुझे लगता है कि आगे भी और बेहतर परफॉर्मेंस देगी। जैसे कि आपके बेटी के साथ बहुत लोगों ने झगड़ा भी किया जी, है, अभिषेक हो गया, मुनावर हो गए जी, सबसे बड़ा झगड़ा खानजादी के साथ हुआ जी जी, तो जी आप किस तरह से देखते हो इन तीनों का झगड़ा? अब वहाँ पे जिस वक्त उनको जो लगा होगा सना को, उसने किया होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद झगड़ा छेड़ा होगा, लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ कहीं हो रहा है तो उन्होंने उसका जवाब दिया होगा, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। आज मैं देखता हूँ खानजादी और सना भी बहुत आपस में बहुत करीब हैं, बैठती हैं, उठती हैं, बातें करती हैं, एक दूसरे को समझाती हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मन में कोई बात है। एज ए पार्ट ऑफ गेम जो है, जो जैसा होता है वैसा हुआ जी। साथ ही बात करूँ, बिग बॉस के हाउस में यूट्यूबर विशेष टीवी चालू था, जो जी मॉल चालू था, उसको आप किस तरह से देखते हो? अब मुझे कोई उसमें ख़राब बात नहीं लग रही है, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और हाउस में जाने के बाद अगर जो आपने अभी बताया उसमें कम ज़्यादा कुछ कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, तो उसमें जो कंटेंडर है उनको कोई फिक्र करने की बात नहीं है, ये सब होता ही रहता है दुनिया के अंदर, तो हम लोगों को कुछ बुरा नहीं लग रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वी आर हैप्पी कि कुछ लोग याद कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, ये उनकी पॉपुलैरिटी की बात है कि उनकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही जी। अभी जो बिग बॉस के हाउस के अंदर लव एंगल जो देखने को मिल रहा है, मुनावर का और अभिषेक का, जो दोनों का लव एंगल अलग अलग चालू है, इसको आप किस नज़र से देखते हो? ये जो है 16 हफ्ते तक रहेगा, उसके बाद जब सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे तो जैसा दिखाया जा रहा है, जैसा वो लोग दिखा रहे वैसा नहीं होगा, ये भी पार्ट ऑफ गेम है। पार्ट ऑफ गेम है जी। और आपको किसका गेम अच्छा लग रहा है, कौन सा? अभी आज के डेट में मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकता, अभी सिर्फ 4 हफ्ते हुए हैं। सिंगल आउट करने के लिए या ये डिसाइड करने के लिए किसका गेम बहुत अच्छा है, और 5-6 एपिसोड होगा उसके बाद कह सकते हैं, अभी आज डिसीजन लेना या बताना सही नहीं है। जिस तरह से सना खेल रही है गेम जी, आपको लगता है वो आखिरी तक पहुंच पाएंगे? मैं तो समझता हूं कि सना जहां जाती है वो आखिर तक ही पहुंचती है, केजी से लेकर LLM करने तक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमेशा अव्वल रही है, आगे रही है, अपना नाम पैदा किया है, इसके बाद अब एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रही है, एक कम उम्र में उसका बहुत बड़ा नाम हो गया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जगहों पर केस लड़ती है जाकर, तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और वो किसी भी शख्स से, किसी भी आदमी से या किसी भी वजह से काउंट डाउन नहीं हो सकती उसको, शी इज़ ए वैरियर, और कहीं भी गिव अप नहीं करेगी। उसके साथ अच्छा होगा तो दूसरों के साथ बहुत अच्छा रहेगी, लेकिन अगर किसी ने उसके साथ कोई गलत करने की कोशिश किया तो उसका जवाब भी देना वो जानती है। ये बिग बॉस हाउस में ही नहीं, पहले से सना का नेचर ऐसा ही है जी। जिस तरह से अंकिता जी, खंडे, जो सबसे बड़ा नाम है जी, जी जी जी, वो किसी और का छवि बन रही है जी, किसी और का नाम ले रही है जो इस दुनिया में है नहीं जी, उसको किस तरह से देखते हो आप? ये जो आपने कहा कि अंकिता लोखंडे बहुत बड़ा नाम है, इस पर मैं एग्री नहीं करता जी। कि कोई लेडी जो है एकाध TV शो में आ जाए और उसके बाद बहुत बड़ा नाम बन जाए, बड़ा नाम जो है वो अलग ही होता है, तो ये गलत है कि अंकिता जो है बहुत बड़ा नाम है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अपने लीगल फील्ड में सना बहुत बड़ा नाम है जी। सना बहुत बड़ा नाम है, अंकिता उसके लेफ्ट और राइट भी नहीं आ सकती हैं, और वो भी गेम खेल रही हैं, अच्छे से खेल रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, और आपने देखा, मैंने एक बार तो बताया आपको, ये लोग बाहर से तय करके आए किस तरह हमको खेलना है, सबको आउट करना है, अंदर रहना है, तो
वो चल रहा है उनका जी। साथी आपने सना को इतना पढ़ाया लिखाया, एक काबिल वकील बनाया, तो जब वो बिग बॉस हाउस में जाती थी तो आपका रिएक्शन क्या था, बेटा तू जा या मत जा? नहीं, हमने हमेशा उसको छूट दिया है, जो उसको बेहतर लगे करे, पूरा परिवार उसके साथ है जी। आगे सना को आप मतलब बिग बॉस से जब निकल के आएगी, आगे आप क्या कराना चाहेंगे, मूवी वगैरह सीरीज? सना जो है लीगल फील्ड में बहुत आगे जा चुकी है और जाने वाली है, तो मुझे लगता है कि किसी सीरियल में या मूवी में कोई पार्ट करने से बेहतर है कि वो लीगल फील्ड में अपना नाम और बड़ा करे, जिसको तमाम लोग पूरी उम्र मानते और जानते रहे। जिस तरह से लोग प्लानिंग करके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑडियंस का ये कहना है कि बिग बॉस जो है गेम है, रियलिटी शो है, वो रियलिटी शो नहीं, एक स्क्रिप्टेड शो है, इसको आप देखते हो किस नज़र से? मुझे तो कभी लगा नहीं कि ये स्क्रिप्टेड शो है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, तमाम लोग जो है वो ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं, ऑन द स्पॉट लड़ते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें जो कंटेंडर है वो जानबूझकर इस ये तमाम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं ताकि उनको फुटेज मिले, तो ये सब फुटेज की कहानी है, स्क्रिप्टेड शो हो ही नहीं सकता ये। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो सना को देखकर बहुत खुश हैं, सना को वोट देकर उन लोगों ने बचाया है, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में भी अगर सना को आपकी वोट की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सना को आप बिग बॉस हाउस में कायम रखें।